रीवा शहर सहित जिले भर में चुनावी वर्ष के दौरान शिवराज सरकार के जन प्रतिनिधियों द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से पुरानी सड़कों के गड्ढे पाटने डामरीकरण कराया गया था, जो पहली बारिश में ही पूरी तरह से बह गई और गड्ढे खाई का रूप ले लिए। जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे ही बारिश का दौर थमा फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता एवं अधिकारी भ्रष्टाचार को छिपाने खराब सड़कों के ऊपर डस्ट डालकर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि जहां सबसे ज्यादा गड्ढे हैं वहां डस्ट के साथ मलबा मिट्टी भी डाली जा रही है। न सड़कों का पता है न डामरीकरण का। शहर का सिविल लाइन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक समाजवादी नेता शिव सिंह ने कहा कि मैंने छोटी पुल एरिया का भ्रमण किया तो देखा कि जय स्तंभ से छोटे पुल के उस पार तक डस्ट डालने का काम शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से धूल में तब्दील हो गया है। डामर का कहीं पता ही नहीं है। निर्माण एजेंसी ठेकेदार की गुणवत्ता जानने कहीं कोई अधिकारी नजर नहीं आए। अधिकारियों की जगह बीजेपी सरकार के घटिया निर्माण सामग्री की जांच करते सड़कों में जानवर जरूर दिखाई दिए। आज वो पुरानी कहानी चरितार्थ हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विगत दिवस बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने शिवराज सरकार के विकास कार्यों को लेकर ट्वीट किया कि 50% से अधिक की कमीशनखोरी चल रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले के भाजपाई अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने उस पर पर्दा डालने FIR की मांग को लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। लेकिन इन भाजपाइयों को रीवा शहर सहित जिले भर में सड़कीकरण, डामरीकरण, विद्युतीकरण, सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट सहित तमाम योजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, ऐसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस चुनावी वर्ष में तमाम योजनाओं के लिए, तमाम नवीनीकरण कार्यों के लिए बजट दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, रीवा सहित पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों ने डामरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। आपने देखा, बरसात के पूर्व सड़कें बनी और इसके बाद जैसे ही बारिश हुई सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। जैसे ही बारिश का दौर थमा इसके बाद पुनः आज मैं छोटी पुल से उस पार तक गया, मैंने देखा कि जिस तरह से डस्ट डाल करके और सड़कों को पाटा जा रहा है और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं जिनको निरीक्षण का जिम्मा है, निर्माण एजेंसी की जो निगरानी करेंगे, उनका कहीं अता पता नहीं है। मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि यहाँ पर जानवर नजर आ रहे हैं जो शिवराज सरकार के गुणवत्ता विहीन सामग्री की जांच कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, परख कर रहे हैं। और इसी तरह सारा सिविल लाइन का इलाका पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है, वहां मिट्टी और बोल्डर पाटे जा रहे हैं। इस तरह से सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए डस्ट डाल रही है। और अभी विगत दिवस जो है देश के बड़े विपक्षी दल की नेता ने एक ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 50% कमीशनखोरी की है, तमाम जो निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में भाजपाई SP ऑफिस गए आवेदन लेकर, साहब FIR होना चाहिए। रीवा के भी जिला कमेटी के लोग गए, आवेदन लेकर घूम रहे थे, नाटक तमाशा कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये डामरीकरण नहीं दिख रहा, आपको ये सड़कीकरण नहीं दिख रहा, आपको विद्युतीकरण नहीं दिख रहा, आपको स्टार वाटर प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, आपको सीवर लाइन प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा? ये सारे प्रोजेक्ट पूरी तरह से भाजपा सरकार के थे, जो पूरी तरह से जमींदोज हैं और उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। इस तरह से बंदरबाट शिवराज सरकार के राज्य में हो रही है और अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए गड्ढों को डस्ट से पाटा जा रहा है, जिसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। रीवा से CNews संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।